हेलो स्टूडेंट्स, पीएससी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं नूतन बख्शी कोर्स ऑफ एक्शन के एक और वीडियो के साथ आपके पास आई। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्ट किया था और एनालिटिकल रीजनिंग के 5 चैप्टर की चर्चा की थी, जिसमें पहला चैप्टर मैंने शुरू किया था कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शंस के कुछ क्वेश्चंस को मैंने डील किया था लास्ट वीडियो में, और साथ ही साथ कोर्स ऑफ एक्शंस को कैसे बनाएंगे, एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और उसके लिए गोल्डन रूल क्या होगा, इस सभी की चर्चा मैंने लास्ट वीडियो में की थी। लास्ट इस वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस की चर्चा करूंगी, लेकिन उसके पहले मैं लास्ट वीडियो के बारे में थोड़ा आपको बता देना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा लास्ट वीडियो के बारे में चर्चा करना चाहूँगी कि जैसे कि क्वेश्चंस, तो मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन के फॉर्म में आएगा। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्टेटमेंट होगा ये दो तरह का होगा, एक सिचुएशन बेस्ड होगा और एक प्रॉब्लम बेस्ड होगा। अगर सिचुएशन बेस्ड होगा तो हम लोग जो सॉल्यूशन देंगे वो इंप्रूवमेंट के लिए देंगे, और जो प्रॉब्लम बेस्ड होगा उसमें हम लोग सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। और ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो रिजल्ट के फॉर्म में होगा, हमारा सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। और उसके बाद जो आंसर्स होंगे उसके लिए ऑब्जेक्टिव जो दिए जाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव आपके पास 5 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि ओनली वन फॉलोज, दूसरा मैंने बताया था ओनली टू फॉलोज, तीसरा ऑप्शन था, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही स्टेटमेंट डाला है, दो ही यहाँ पे मैंने आपको वन एंड टू सॉल्यूशन के फॉर्म में कोर्स ऑफ एक्शन डाला है, इसीलिए जो ऑप्शन होगा वो इस तरह का ऑप्शन होगा। अगर जैसे ही जो कोर्स ऑफ एक्शन 3, 4, 5 कई कोर्स ऑफ एक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक स्टेटमेंट का बहुत सारा कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, तो आप उस समय दिए गए निर्देशों को पढ़ करके क्वेश्चंस को बनाइएगा, ठीक है। तो यहां पे वन फॉलो टू फॉलो, अगर मान लीजिए 3, 4 बेस्ड है तो 3 फॉलो 4, 4 फॉलोज, ए और बी फॉलोज, ए बी फॉलोज, बी सी फॉलोज, इस तरह से वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो अभी तो हम लोग दो ही कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, तो वन फॉलो टू फॉलो, उसके बाद इधर वन और टू, Neither या both, ठीक है। या तो वन या दो फॉलो करेगा, या दोनों नहीं फॉलो करेगा, या दोनों फॉलो करेगा, यही आपका क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। मैं फिर से बता दूं कि अगर यहां पे ऑप्शंस ज्यादा होंगे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, मतलब क्वेश्चंस अगर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो अगर ज्यादा होंगे तो ऑप्शन उसी अकॉर्डिंगली आप लोग निर्देश को पढ़ करके बनाइएगा, ठीक है। ये जनरल एक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका मैंने आप लोगों को फॉर्मेट दे दिया, ठीक है। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था दो चीज, मैंने बताया था आपको, एक बताया था आप लोगों को टिप्स और एक बताया था गोल्डन रूल, ठीक है। एक मैंने टिप्स बताया था और एक गोल्डन रूल बताया था। तो टिप्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कोर्स ऑफ एक्शन जो होना चाहिए वो या तो रिड्यूस करना चाहिए या फिर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, एक मैंने आपको बताया था कि वो डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, एक मैंने आपको बताया था कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और एक मैंने बताया था कि
नॉट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, ये मैंने आपको टिप्स दिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। और कुछ गोल्डन रूल मैंने बताया था, जिसमें कि दो बताया था, एक राइट के साइड बताया था और एक रॉन्ग के साइड बताया था, और आपको बोला था कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के जगह पर रख करके जो भी डिसीजन लीजिएगा, फर्स्ट तो आप कॉमन मैन एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंगली लीजिएगा, और दूसरा कि आप फर्स्ट कॉमन मैन एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, और दूसरा जो डिसीजन आप लीजिएगा वो इम्पर्सनली एंड इम्पार्शियली लीजिएगा। यहां पे आप हैं और राइट एंड रॉन्ग, जिसमें कि मैंने आपको बोला था कि गवर्नमेंट का जितना भी सिस्टम है, प्रोसीजर है, गवर्नमेंट का कोई न्यू लॉ अगर आता है तो उसको हम लोग राइट मानते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई इंक्वायरी कमेटी बैठाया जाता है, तो इसमें भी एक स्टार मैंने लगाया था कि अगर इंक्वायरी कमेटी जो बैठाया गया है, कोई मैनुअल कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बैठाया जाएगा, लेकिन अगर नेचर के द्वारा कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, अचानक से बाढ़ आ गया, जैसे साइक्लोन वगैरह का भी आप लोगों ने नाम सुना था, तो आप लोग देखिए कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि वो प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन होता है। तो आप देखिए कि जैसे भी साइक्लोन का केस हुआ, तो साइक्लोन में क्या हुआ कि पहले तो, अब मान लीजिए कि हो गया, तो आपको कोर्स ऑफ एक्शन करना है, एक देखना है पहले और एक देखना है बाद में। तो पहले उन लोगों ने क्या किया कि सारे लोगों को अलर्ट कर लिया, जितना संभव हो सका लोगों को वहां से निकाल दिया, लेकिन अब साइक्लोन के बाद भी तो कुछ हुआ, तो साइक्लोन के बाद हुआ तो उन लोगों को राहत कार्य वगैरह जितना जल्दी हो सका, जो लोग फंसे थे या प्रॉब्लम में आए थे उन लोगों को राहत कार्य दिया। तो ये सब चीजें देखनी होगी आपको कि कहां पे क्या लगाना और एप्रोप्रिएट लगाना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमेशा जो भी लीजिएगा वो इमीडिएट एकदम, जो बहुत बाद का कोर्स ऑफ एक्शन वो अचानक से आपको नहीं ले लेना है, जो कि हम लोग क्वेश्चन देख देख करके समझते जाएंगे। एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को कि जो कोर्स ऑफ एक्शन आप जब बनाते हैं तो आप वर्ड को पकड़िए। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर आप वर्ड को पकड़ते हैं तो आपके लिए एनालिटिकल रीजनिंग से आसान दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और रॉन्ग में मैंने आपको बताया कि इंक्वायरी कमिटी जो बैठाया जाएगा वो अगर नेचर के द्वारा है तो वहां कमिटी नहीं बैठेगा। उसके बाद मैंने बताया था जैसे कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को अच्छा माना है, तो यहाँ पे राइट में पॉजिटिव अच्छा होगा तो रॉन्ग में नेगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। नेगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में चोरी की घटना बढ़ रही है, तो आप को ये कोर्स ऑफ एक्शन दिया जा रहा है कि आप घर छोड़ के जाओ ही नहीं, तो ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं देना है। तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आपको घर छोड़ के बंद करके निकलना पड़ेगा, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, इसमें क्या होगा कि पुलिस वगैरह की पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ा दी जाए, तो ये सब बेस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन माना जाता है। तो यही लास्ट वीडियो में, इसको मैं कहूं कि सब एंड सब्सटेंस, मैंने यही आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था और कुछ क्वेश्चंस को मैंने डील किया था। आज भी कुछ क्वेश्चंस आपके पास दिया गया है, वो कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेती हूं यहां पर, एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। आप ठीक है, हम लोग अगर एक एक क्वेश्चंस को यहां पे देखते हैं तो बार बार मैं बोलूंगी कि आप लोग वर्ड को पकड़िएगा। अब देखिए यहां पे हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहां लिख रहा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर्स, ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर्स, ठीक है, प्रेफर टू अवेल लोन, मतलब वो लोग लोन ले रहा है, ठीक है, फ्रॉम लोकल मनी लेंडर्स, कहां से ले रहा है, मनी लेंडर्स से ले रहा है, ठीक है। देखिए मैं एक एक बार पूरा सेंटेंस को ये नहीं कर रही हूं, एक एक वर्ड आपको सामने में रख करके बता रही हूं। मनी लेंडर्स इंस्टीड ऑफ बैंक्स ओइंग टू, अब इंस्टीड ऑफ बैंक्स, यहां पे इन लोगों को जो फार्मर्स हैं उनको बैंक से लेना चाहिए था, लेकिन बैंक से क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लीकेटेड पेपर वर्क होता है बैंक, ठीक है। अब देखिए यही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इंक्रीजिंग नंबर, मतलब फार्मर्स जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और जो लोन वो लोग ले रहे हैं वो लोकल मनी लेंडर्स से ले रहे हैं,
इंस्टीड ऑफ बैंक्स, बैंक के पास नहीं जाना चाहते हैं वो लोग, क्यों? क्योंकि बैंकों का जो पेपर वर्क है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए कि हम लोग पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पेपर वर्क होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं कि बाप रे पेपर वर्क यहाँ पे छोड़ो, इस बैंक से न लेके दूसरे में चल। जो पढ़े लिखे नहीं है उनसे अगर बहुत ज्यादा पेपर लेने लगता है या कॉम्प्लिकेटेड कर देता है तो वो लोग बैंक वाले के पास नहीं जाना चाहते। और मनी लेंडर्स के पास क्या है कि वो गए और इजी वे में वो लोग उन लोगों को लोन प्रोवाइड करा देता है। हालांकि उनके उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, लेकिन चूंकि उनका पेपर वर्क नहीं है इसीलिए जो गांव वाले हैं वो बैंक वाले के पास ना आकर के किसके पास चले जा रहे हैं? मनी लेंडर्स के पास। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर इसको देखते हैं हम लोग तो आपको यहां पे कल्प्रिट कौन नजर आ रहा है? तो यहां पे देखिए, यहां पे मनी लेंडर्स तो कल्प्रिट नहीं नजर आ रहा है। मनी लेंडर का क्या है, उसके पास जितना लोन लोन लोग आएंगे उतना वो लोन प्रोवाइड करेगा। तो यहां प्रॉब्लम कहां पे है? कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क पे। किसका कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क? बैंक का कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क। तो अब हम लोग जो उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है उसको देखते हैं, कार्यवाही जो दिया गया है। पहला कार्यवाही ये दिया गया है कि लोकल मनी लेंडर हु चार्ज इंटरेस्ट लेट रेट लोअर देन द बैंक शुड बी पनिश्ड। जो मनी लेंडर्स हैं जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपके पास जो ऑप्शन दे रहा है वो है कि बैंक को अपना पेपर वर्क को सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। ठीक है, अपने पेपर वर्क को सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। तो आप देखिए, सामने में आपका क्वेश्चन है, सामने में आपका कार्यवाही है। यहीं पे मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपको वर्ड पकड़ना है और गलती किसकी है उसको देखना है। तो अब देखिए कि यहां पे मनी लेंडर की कहीं तो कोई गलती नहीं है। उसके पास अगर कोई आता है तो वो क्या बोलेगा, नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, बैंक के पास जाइए, ऐसा क्यों वो करेगा? तो वो यहां पे मनी लेंडर की तो कोई गलती नहीं, तो उसको क्यों हम लोग पनिश करेंगे? तो ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां था? बैंक के पेपर वर्क में। तो बैंक को अपना पेपर वर्क को क्या कर देना चाहिए? सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। तो आप देखिए कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट करेक्ट है। तो हम लोग यहां पे सेकंड वाले को करेक्ट मानेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी तरह का डाउट होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिया गया है वो है कि मेजर रिवर इन द सिटी। ठीक है, रिवर की बात हो रही है, सिटी के रिवर की बात हो रही है। पॉल्यूशन की बात हो रही है, पॉल्यूटेड पॉल्यूशन की बात हो रही है। डर्टी कैनल आफ्टर टन्स ऑफ सीवेज मेड वे इन इट ओवर द ईयर्स। अच्छा, रिवर जो पॉल्यूटेड हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? तो यहां पे लिख रहा है टन्स ऑफ सीवेज की वजह से, टन्स ऑफ सीवेज की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। रिवर जो है सिटी का वो पॉल्यूटेड हो रहा है टन्स ऑफ सीवेज की वजह से। अब इसके लिए आप देखिए कि यहां पे सीधे सीधे दिया हुआ है कि रिवर का गंदा होना कैसे हो रहा है, रिवर गंदा कैसे हो रहा है? तो रिवर गंदा हो रहा है जो वर्षों से शहर का गंदगी जो उसमें गिर रहा है उसकी वजह से वो गंदा हो रहा है। तो अब हम लोगों को देखना है जो कोर्स ऑफ एक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन आपसे कहता है कि जो लोग गार्बेज को सीवेज में डाल रहे हैं उनको पेनलाइज किया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका पहला कोर्स ऑफ एक्शन। मैंने पहले ही आपको बता दिया था एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन के टिप्स के दौरान कि ऐसा आपको कोर्स ऑफ एक्शन लेना है जो प्रैक्टिकली संभव हो। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है।
कि जो गंदा कर रहे हैं उसको पकड़ पकड़ के आप उसको पैनलाइज कीजिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, इसीलिए ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो कोर्स ऑफ एक्शन आपको प्रोवाइड किया गया यहाँ पे, कहता है कि सीवेज सिस्टम का प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो कहता है यहाँ पे कि गवर्नमेंट को मॉडिफाई करना चाहिए। क्या मॉडिफाई करना चाहिए? तो सीवेज सिस्टम को, और अल्टरनेट व्यवस्था दे देना चाहिए, ठीक है। समझ में आया ये क्या दे रहा है? कि गवर्नमेंट को मॉडिफाई करना चाहिए सीवेज सिस्टम को अल्टरनेट व्यवस्था दे करके। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन में आपसे क्या बताया कि वो रिवर जो है वो गंदा हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या सॉल्यूशन लाएंगे? एक प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग क्या सॉल्यूशन देंगे? तो गवर्नमेंट को मॉडिफाई करना चाहिए सीवेज सिस्टम को, और फाइंड एन अल्टरनेटिव वे टू डंप द सिटी वेस्ट। सिटी का जो वेस्ट है वो रिवर में ना जाकर के कहीं और चला जाए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये आपको लगता है कि ये सही है? तो जी हाँ, ये सही आंसर है, क्योंकि हम लोग यहां पे अल्टरनेटिव व्यवस्था ला के ही हम लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं, ना कि किसी को पेनालाइज कर, क्योंकि पेनालाइज नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। अब हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर आप इसी तरह से वर्ड को समझ करके और वर्ड को पिन पॉइंट करके बनाइएगा तो ये आपके लिए आसान रहेगा, और कोशिश कीजिए कि ज्यादा एनालिटिकल रीजनिंग जो है ये आप समझ जाइए इंग्लिश के पैसेज की तरह है। पैसेज से बच्चे बहुत घबराते हैं, पैसेज नहीं बनाना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का नाम सुनते ही उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, उसी तरह एनालिटिकल रीजनिंग बच्चे नहीं बनाना चाहते क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ता है। तो एनालिटिकल रीजनिंग अच्छा तभी होगा जब आपको पढ़ने में मजा आएगा, और जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ज्यादा आपके पास मटेरियल। अभी मैंने तुरंत आपको एक एग्जांपल दिया साइक्लोन वाला, तो साइक्लोन वाला तो अभी तुरंत आपके यहाँ हुआ है, उसके लिए क्या क्या किया गया? अगर आप पेपर से पेपर पढ़ते रहिएगा या आप न्यूज सुनते रहिएगा तो ये सब चीज समझ में आएगा प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, और या कोई ऐसा चीज जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है, तो वहां मैंने पहले ही बताया था कि माय ओपिनियन लागू नहीं होगा, वहां पे आपको नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीज तभी संभव है जितना ज्यादा आप पढ़िएगा उतना ज्यादा आपके पास मटेरियल आएगा, और जितना ज्यादा मटेरियल आएगा उतना बढ़िया आपका एनालिटिकल रीजनिंग होगा, और पढ़ने की एक हैबिट होगी तो आप फास्टली पढ़िएगा, और फास्टली पढ़िएगा तो आपसे एनालिटिकल रीजनिंग भी फास्टली ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप वर्ड को पकड़ना सीख जाइएगा। अब देखिए यहां पे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आया है, वाटर लेबल, वाटर लेबल, यहां वाटर लेबल की बात हो रही है, ठीक है, वाटर लेबल कुछ स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, हैज गॉन डाउन सच अ लेबल, ठीक है, नीचे चला गया है, नीचे चला गया, ठीक है, एंड इट्स एक्सट्रैक्शन फॉर इरिगेशन पर्पस इज नॉट इकोनॉमिकली, इरिगेशन के लिए इसको कहता है कि ये इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल नहीं है, इरिगेशन अगर इससे किया जाए लगातार तो ये वायबल नहीं है, सूटेबल नहीं है। अब देखिए यहां पे वाटर लेबल किसकी वजह से चला गया, वाटर लेबल नीचे जा रहा है क्योंकि उसका एक कारण इरिगेशन भी है, ठीक है। तो अब हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन पे आते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन यहां पे पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन आपको दिया है, ये पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड लेबल एनी पर्पस इन द स्टेट शुड बी बैन। कहता है एक्सट्रैक्शन जो पानी निकाला जा रहा है, ठीक है, उसको कहता है कि बैन कर दो। ये कुछ स्टेट की बात हो रही है, यहां भी स्टेट ही की बात कर रहा है, ठीक है, फॉर सम टाइम इन ऑर्डर टू, क्यों बैन करो भाई, तो रिप्लेनिश द वॉटर लेबल, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, कहता है कि जो पानी हम लोग निकाल रहे हैं उसको कुछ दिन के लिए बैन कर दो, और
जिससे कि फिर से पुनः जो कुछ समय के लिए रोक लगा दिया जाए, जिससे कि वाटर लेवल जो है फिर से वो बढ़ सके, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि बहुत सारा स्टेट ऐसा है जो कि उसी पे डिपेंडेंट है। अगर मॉनसून नहीं हुआ, सही समय पे नहीं आया या अच्छा नहीं रहा, तो फिर सिंचाई नहीं, ये फसल नहीं अच्छा हो पाएगा। तो उसके लिए तो आपको सिंचाई के थ्रू करना, इरिगेशन अच्छा होना चाहिए, उसमें भी आप बता रहे हैं कि उसको बैन कर दो, तो फार्मर्स फिर कैसे ग्रेन्स वगैरह को उपजाएंगे। तो ये तो आपको एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन बता रहा है, तो इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहां पे कहता है कि गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव व्यवस्था ले आना चाहिए, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, अल्टरनेटिव व्यवस्था यहां पे ले आना चाहिए, सो दैट द फार्मर्स आर नॉट कंपेल्ड टू यूज ग्राउंड वाटर। तो अगर उनको अल्टरनेटिव व्यवस्था दे दीजिएगा इरिगेशन का, तो वो लोग कंपेल्ड नहीं होंगे कि हमको सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड करना है। तो वो क्या होगा उस केस में, क्या होगा कि आपका ये वाला जो है सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो आपका सूटेबल हो जाएगा। वाटर लेवल का एक प्रॉब्लम था भाई कि वो नीचे चला गया है, अब इरिगेशन हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो यहां पे गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि हम अल्टरनेटिव व्यवस्था तुमको दे देंगे, तो ये आपका एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग चौथा नंबर के क्वेश्चंस पे जाते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे आया होगा, जिसमें कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात हो रही है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में क्या हो रहा है कि थेफ्ट ऑफ बुक हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी का एक लाइब्रेरी है जिसमें चोरी की घटना हो रही है, किताब चोरी हो जा रही है, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो ऑप्शन दिया है आपका, पहला कहता है कि स्ट्रिक्टर सिक्योरिटी होना चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट शुड बी पुट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स, ठीक है, कि आने वाले समय में ये जो आपका चोरी की घटना है उसको प्रिवेंट किया जा सके, प्रिवेंट करने के लिए, पहला ऑप्शन। तो यहां पे कहता है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए, ठीक है, ये सही है। आप जब कोई अंदर जाके ही तो चोरी करता होगा, किताब की चोरी कैसे होगी, लाइब्रेरी में घुस के ही तो होगा, तो आप शुरू में ही आप जो भी अरेंजमेंट करना है वो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, चेकिंग के द्वारा आप सभी को अंदर भेजिए, जब वो निकले तो भी चेकिंग होना चाहिए। उसके अलावा आप सीसीटीवी कैमरा वगैरह से भी आप लोगों पे नजर रख सकते हैं, या उसके बाद भी अगर किसी तरह से चोरी की घटना हो जाती है तो सीसीटीवी अगर होगा तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये जो है ये सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा कहता है कि जितने भी स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में जा रहे हैं उन पे पे अ हेफ्टी फाइन, तो ये क्या प्रैक्टिकली संभव है? ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है और ये एक्सट्रीम हो जाएगा। आप ऐसा कुछ कीजिए ना जिससे कि चोरी हो ही नहीं। अब जब अरेंजमेंट हो जाएगा तो चोरी होगी ही नहीं। यहां पे लिख रहा है कि ऑल द स्टूडेंट द यूनिवर्सिटी शुड बी मेड टू पे अ हेफ्टी फाइन इन ऑर्डर टू रिप्लेस द लॉस्ट बुक। अब कह रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक तो ऐसे भी कहता है कि ऑल इज अ डेफिनेट वर्ड, ऑल नहीं लेना है, तो ऑल द स्टूडेंट द यूनिवर्सिटी शुड बी मेड टू पे अ हेफ्टी फाइन। व्हाई? आप ऐसा कुछ कीजिए, अल्टरनेटिव आप उसके लिए कीजिए। तो यहां पे ये एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा, जो कि हम लोग गोल्डन रूल में पढ़ चुके हैं कि हार्श एक्शन शुड नॉट बी टेकन, वो नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो ये इसमें आपका जो होगा ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे जो आपके स्क्रीन पे दिया गया है।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस में देखे कहता है इंडिजिनस ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइब्स की बात हो रही है, कहां रहता है, लिविंग अमेजन रिवर, ठीक है, अमेजन फॉरेस्ट, सॉरी फॉरेस्ट है ये फॉरेस्ट, ठीक है, आर कटिंग डाउन ट्रीज, ये लोग क्या कर रहा है, कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को काट रहा है, कटिंग डाउन ट्रीज टू कवर देयर बेसिक नीड्स, ठीक है, बेसिक नीड्स के लिए, बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा मकान को फुलफिल करने के लिए ये लोग क्या कर रहा है कि पेड़ को काट रहा है, ठीक है, दस सिमिलरली अफेक्टिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इन द, इससे क्या हो रहा है, ट्राइब्स के पेड़ को काटने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ा रहा है, ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रॉब्लम कहां पे है, ट्राइब्स के पेड़ काटने से इकोलॉजिकल बैलेंस जो गड़बड़ हो रहा है यही प्रॉब्लम दिखता है, तो अब देखिए इसके लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है, कहता है इसमें कि ऑल द ट्राइब्स, ठीक है, जो लोग उस वहां पे रहते हैं उनको शिफ्ट कर देना चाहिए, शिफ्ट टू अर्बन एरिया, पूरा मत पढ़िए, देखिए इतना ही है आपका, ऑल द ट्राइब शिफ्ट टू अर्बन एरिया, कहता है जितना भी है सबको अर्बन एरिया में शिफ्ट करा दो, तो अब देखिए मैंने पहले भी बताया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं देना है जिससे कि नया प्रॉब्लम क्रिएट हो, अगर मान लीजिए कि उनको आप, पहला तो उन लोगों को प्रॉब्लम होगा क्योंकि जिस चीज के वो हैबिचुएटेड है वो यहां नहीं मिल पाएगा, और दूसरा प्रॉब्लम होगा कि उन लोगों को आप अर्बन एरिया में लाइएगा तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं लेना है जिससे कि दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो ये तो ऐसे ही काट दीजिए आप, ठीक है, उसके बाद कहता है द ट्राइब शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू, कहता है कि ट्राइब जो काम कर रहा है ना उसको कंटिन्यू करने के लिए बोलिए, क्यों, क्योंकि वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं ना कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं, रोटी कपड़ा अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे ये भी तो एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन है, यहां पे गवर्नमेंट कुछ उसको स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड करे, कोई अलायंसेस वगैरह प्रोवाइड करे सो डैट कि वो लोग पेड़ पौधा को नहीं काटे, यहां पे कह रहा है कि डूइंग सो अलाउड टू कंटिन्यू डूइंग सो एज दे कट डाउन ट्रीज सो फॉर देयर बेसिक नीड्स, अगर बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कह रहा है तो उसको काटने दिया जाए, तो यहां पे कोई अल्टरनेट व्यवस्था गवर्नमेंट को करना चाहिए, ना कि उसको कहना चाहिए कि तुम पेड़ पौधा काट लो, पेड़ काट लो और अपने बेसिक नीड को पूरा करो, तो ये दोनों ही यहां पे लागू नहीं होगा, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसको देखते हैं हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टैटिस्टिक, एक स्टैटिस्टिक बता रहा है कि जो राइनोज है वो मारे जा रहे हैं, ठीक है, किल्ड बाय टाइगर्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, किल्ड बाय टाइगर्स was much more than the number of rhinos killed by poachers, मतलब कि ज्यादा rhinosaur किसकी वजह से मारे जा रहे हैं, tigers की वजह से, poachers की वजह से नहीं, poachers मतलब कि शिकारियों के द्वारा, एक statistics बताता है कि राइनोज की संख्या घटती जा रही है क्योंकि उसको ज्यादा यहां पे टाइगर मार रहा है ना कि पोचर मार रहा है, तो यहां पे रियल कल्प्रिट कौन है, टाइगर, तो यहां जो हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे वो किससे रिलेटेड लेंगे, टाइगर से रिलेटेड लेंगे ना कि पोचर से रिलेटेड लेंगे,
ठीक है। अब हम लोग स्टेटमेंट को यहां पे जो सॉल्यूशन दिया है उसको देखते हैं। अब कहता है कि स्ट्रिकर रेगुलेशन कहता है किसके लिए, पोचर्स के लिए, ठीक है, पोचर्स के लिए है ना, स्ट्रिकर रेगुलेशन फ्रेम किया जाना चाहिए टू पनिश द पोचर्स। तो मैंने पहले ही बताया कि यहां पे प्रॉब्लम कौन है, वर्ड कीवर्ड टाइगर है, पोचर नहीं, तो हम लोग पोचर्स को नहीं यहां पे लेंगे, ठीक है। दूसरा कहता है कि आर्टिफिशियली सेपरेट कर देना चाहिए, ठीक है, आर्टिफिशियल इज सेपरेटेड। अब देखिए कि यहां पे टाइगर और राइनो को अलग अलग हम लोग रखेंगे तो टाइगर राइनो से मिलेगा ही नहीं, तो टाइगर उसका शिकार करेगा ही नहीं, तो दोनों को अलग अलग सेंचुरी में बना करके जो सेंचुरीज है उसको आर्टिफिशियली अलग कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि राइनोज का जो जनसंख्या घटता जा रहा है वो नहीं घटेगा, तो ये आपका क्या है, सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन है। एकदम ध्यान, यहां पे अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर जाइएगा पढ़ने में या समझने में तो आप इसको भी सही मान लीजिएगा। यही पे मैंने आपको बताया कि इसको ध्यान देना है कि ये टाइगर है, टाइगर के लिए आपको यहां पे कोर्स ऑफ एक्शन उठाना है, ना कि पोचर्स के लिए। तो पहला यहां पे नहीं लागू होगा, दूसरा यहां पे लागू होगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग सेवेंथ नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक मिड एयर कॉलिजन की बात हो रही है, ठीक है, और ऑफ टू एयरक्राफ्ट, ठीक है, यही है आपका वर्ड, टू एयरक्राफ्ट, ठीक है। और इसमें आप देखिए कि यहां पे जो बता रहा है कि यहां पे पायलट जो है, पहले इसमें लिखा है कि व्हेन द पायलट, मतलब अवॉइड किया गया, ठीक है, दो एयरक्राफ्ट जो है बहुत ही नजदीक से दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा, क्योंकि पायलट जो है सही समय पे उसका दिमाग काम कर लिया और वो उसको बचा लिया। तो यहां पे पायलट सही है, ठीक है, क्योंकि अवॉइडेड व्हेन द पायलट जो है वो अवॉइड कर दिया था क्या, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये पायलट जो है, ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा, उसको सही से फॉलो नहीं किया, इसीलिए ये दुर्घटना जो है टक्कर होते होते रह गया, ठीक है। तो अब देखिए कि यहां पे गलती किसकी है, पायलट ऑफ वन एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट के पायलट की ये गलती है, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन में दिया है, पहला जो ऑप्शन है पायलट ऑफ बोथ, क्यों हम लोग दोनों को सजा देंगे, गलती किसकी है, पायलट ऑफ वन एयरक्राफ्ट, तो हम लोग दोनों को सजा क्यों देंगे, शुड बी इमीडिएटली रिप्रेजेंटेड बाय रिवोकिंग देयर लाइसेंस, क्यों हम लाइसेंस को रिवोक करेंगे, गलती तो दोनों की नहीं है, एक पायलट की है, तो यहां पे जो पहला वाला है वो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा में कहता है कि ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, किसको, ट्रेनिंग ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को, यहां पहले ही मैंने बताया कि ये तो इंस्ट्रक्शन दे ही रहा था, फॉलो कौन नहीं किया, एक एयरक्राफ्ट का पायलट, तो इसको ट्रेनिंग पे भेजने से क्या फायदा है, ट्रेनिंग ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर शुड बी इंप्रूव एंड मेड मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन ऑर्डर टू अवॉइड सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर, यहां गलती तो पायलट की है, वो भी एक एयरक्राफ्ट के, तो दोनों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरा कि एयर ट्रैफिक, मैंने बताया था आपको कि प्रॉब्लम जिस तरह का होगा उसी तरह का सॉल्यूशन ढूंढना है। अब देखिए कि यहां पे एक एयरक्राफ्ट की के पायलट की गलती है, सजा दोनों को मिल जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन
ढूंढना है, ये तो एक्सट्रीम हो गया ना कि आपका प्रॉब्लम इतना बड़ा है, आप सॉल्यूशन इतना बड़ा दे रहे हैं, दोनों को सजा दे रहे हैं। जिसकी गलती उसको तो मिल ही रही है, उसके साथ साथ दूसरे एयरक्राफ्ट वाले को भी मिल रही है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी मिल रही है, तो ये सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग 8th नंबर के क्वेश्चंस पे यहां पे आएंगे जो कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। 8th नंबर क्वेश्चंस में देखिए, ऑयल स्पिल, ठीक है, ऑयल के लिए से तेल स्पिल किया है, निकला है, ठीक है, और ये क्या हुआ है, एक बिगेस्ट ऑयल कंपनी के द्वारा हुआ है, स्पिल बाय यहीं पे कर देते हैं, बिगेस्ट ऑयल कंपनी, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, सिविलरली अफेक्टेड, जो उससे जुड़ा हुआ है उसको अफेक्ट पहुंचा है, ठीक है, तो कौन उससे अफेक्टेड होगा, तो मेरीन लाइफ, तो मेरीन लाइफ लाइफ जो है वो अफेक्टेड हो गया, ठीक है। इसके लिए देखिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिया है, यहां देखिए, यहां तो डायरेक्ट दिख रहा है बहुत बड़ा लॉस है, और ये एक्चुअली जब क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये जब हुआ था उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया था, मुंबई एयरपोर्ट पे हुआ एयर ऑयल स्पिल हुआ था वो, तो उसी समय ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और ये दोनों चीज जो कोर्स ऑफ एक्शन इसमें पूछा जा रहा है, यही दो कोर्स ऑफ एक्शन वहां पे लिया गया था, तो आपको तो कल्प्रिट दिख रहा है बहुत बड़ा लॉस इसने पहुंचाया। तो कहता है कि ऑयल कंपनी को, यहां पे मैंने आपको बताया था कि हार्श एक्शन शुड नॉट बी टेकन, लेकिन साथ में स्टार लगाया था कि जहां पे जो जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंगली, अगर कल्प्रिट पता चल जाए और उसका गलती पता चल जाए तो वहां पे पेनालाइज किया जा सकता है। तो यहां पे क्या, क्योंकि उसने नेग्लिजेंस किया, किसको, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए, तो ऑयल कंपनी को यहां पे पेनालाइज किया जाएगा, ठीक है, ये सही है। दूसरा एफर्ट्स, ये भी मैंने बोला था गोल्डन रूल में, एफर्ट्स क्या चीज के लिए, टू शिफ्ट मैरीन एनिमल, जितना संभव हो सके, ये कह रहा है आपसे, जितना संभव हो उतना मेरीन एनिमल्स को सही जगह पे पहुंचा, और ये किया गया था उस समय, तो ये दोनों के दोनों जो है सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन माना जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहता है कि हाँ प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है, प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है, हाँ वो क्या कर रहा है प्राइवेट स्कूल की डिनाई कर रहा है, ठीक है, डिनाई कर रहा है एडमिशन के लिए पुअर फैमिली के बच्चों के लिए, ठीक है। वो लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं, जिनका कि फिनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, वो लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं, वो लोग जिनकी फिनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है उन लोगों को एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। ये आपको एक सिचुएशन दिया गया है। अब देखिए यहां पे इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन दिया जा रहा है कि पुअर स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू टेक एडमिशन ऑनली, वाई कहता है कि पुअर स्टूडेंट्स को एनकरेज कर दीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल में चला जाए, ये तो नेगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हो गया कि अच्छा वो नहीं ले रहा है तो ठीक है तुम गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ लो, तो इस तरह का वाई इस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन, ये कोर्स ऑफ एक्शन सुटेबल नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी होगी। तो दूसरा हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ सीट्स उन लोगों के लिए जो लोग इकोनॉमिकली एडमिशन लेने के लिए एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं उन लोगों के लिए इंश्योर किया जाना चाहिए कि
आपको इतने सीट्स पे उन बच्चों को लेना है, इससे क्या होगा कि बैलेंस आएगा, और दूसरा कि आप इक्वली सब के लिए काम कीजिएगा। तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको सही माना जाएगा, और ये नेगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है इसीलिए इसको नहीं माना जाएगा। अब हम लोग 10th नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। 10th नंबर क्वेश्चंस में देखिए दिया गया है कि मलेरिया का केस बढ़ा हुआ है, ठीक है, मलेरिया केस बढ़ गया है, बस यही आपके सामने एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। तो ये आप देखते होंगे आए दिन, कभी डेंगू फैलता है, कभी मलेरिया आता है, कभी चिकनगुनिया होता है, तो पेपर वगैरह में आप देखते हैं कि उसके लिए अवेयरनेस दिया जाता है, न्यूज़पेपर के थ्रू हुआ, मीडिया के थ्रू हुआ, या अब जैसे कोरोना वायरस अभी आया हुआ है, तो कोरोना वायरस फैला हुआ है तो गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है, ये मैंने पहले ही बताया कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। तो मलेरिया चूंकि किससे रिलेटेड है, मॉस्किटो से रिलेटेड है, तो मॉस्किटो अगर बढ़ेगा तो मलेरिया के केसेस बढ़ेंगे। तो मॉस्किटो पे नियंत्रण अगर ले लिया जाए तो मलेरिया का केसेस जो है वो नियंत्रित हो जाएगा। अगर मलेरिया केसेस हो ही गया तो उससे रिलेटेड भी आप कोर्स ऑफ एक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो पहला इसमें कह रहा है कि उनको बढ़ने ही नहीं दीजिए, तो ब्रीडिंग जहां से उनका जन्म हो रहा है उसी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, तो सही है भाई। दूसरा कहता है कि कैंपेन, मैंने आपको बताया था कि गोल्डन रूल में कि कैंपेन भी एक अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन माना जाता है। टू कैंपेन अ कैंपेन टू कैंपेन टू एडुकेट पीपल अबाउट द वेज टू प्रिवेंट द डिजीज। अब जैसे कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस के लिए बताया जा रहा है कि आपको मास्क पहनना है, लगातार हाथ धोते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। तो उसी तरह अगर मलेरिया की बात की जाए तो हम लोगों को मलेरिया से कैसे बचाव करना है, तो मलेरिया तभी होगा जब मच्छर होंगे। अब मच्छर कब होंगे, जब आप गंदगी फैलाइएगा, गंदा पानी स्टोर करके रखिएगा। तो ये कैंपेन के दौरान आपको बताया जाता है, जो कि सोशल मीडिया पे हो सकता है, न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकता है, टीवी के थ्रू हो सकता है। तो ये दोनों के दोनों जो है ये एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन माना जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पे दे रहा है, आपके स्क्रीन पे है, लॉन्च हो रहा है, लॉन्चिंग ऑफ न्यू ब्रांड, किस चीज का, फोर व्हीलर का, ठीक है, किसके लिए भाई, तो ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के। कम हो जाए, ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए। अब इसके लिए क्या कह रहा है, ये जो आ रहा है फोर व्हीलर तेजी से, तो ट्रैफिक कंजेशन जो है वो, सॉरी, कंजेशन जो है वो बढ़ रहा है, बहुत तेजी से ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रहा है। हर एक कंपनी जो है वो अपना फोर व्हीलर का तरह तरह का मॉडल निकाल रहा है, उससे क्या हो रहा है कि ट्रैफिक कंजेशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या किया गया है कि पब्लिक को इनकरेज कीजिए शेयर करके, वो खास करके मेट्रो सिटी की बात हो रही है, तो एनकरेज कीजिए किस चीज के लिए, शेयर करके वर्क प्लेस पे जाने के लिए। मेट्रोज में ये देखा गया है कि अगर एक ही वर्क प्लेस पे जाना है या अगल बगल के वर्क प्लेस पे जाना है, तो वहां पे क्या होता है कि सारे लोग अपनी गाड़ियां नहीं निकालते हैं, वो उसमें वो लोग कभी संडे को एक पर्सन निकाला तो मंडे को दूसरा पर्सन निकाला, उस तरह से वो लोग निकालते हैं, जिससे कि कंजेशन जो ट्रैफिक कंजेशन है वहां, तो हर के पास गाड़ी, एक गाड़ी क्या, दो दो तीन तीन गाड़ियां रहती है, तो उससे तो कंजेशन बढ़ेगा, हर आदमी अपनी अपनी गाड़ी से अगर निकलने लगे तो ट्रैफिक कंजेशन बढ़ने लगेगा। तो ये वहां पे होता भी है और इसको एनकरेज भी किया जाता है, तो ये एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन है। अब कहता है कि शुड इम्पोज हेवी, गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ा देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन है, ये तो नेगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अच्छा ये हो रहा है तो टैक्स बढ़ा दो, तो ये हमेशा टैक्स नहीं इंक्रीज किया जा सकता, हर का अपना ये टैक्सेस जो है वो फिस्कल पॉलिसी का एक पार्ट होता है, तो वो
अपने अकॉर्डिंगली सरकार राजकोषीय नीति को और जो मार्केट में जो मनी फ्लो है उसके अकॉर्डिंगली वो टैक्सेस को बढ़ाता या घटाता है, ठीक है। तो ये जो है ये एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चंस पे। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये एयर पोल्यूशन की बात कर रहा है, एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, हेल्थ हजार्ड, हेल्थ का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हेल्थ इश्यूज, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जो सिटी में रह रहे हैं उनको हेल्थ इश्यूज हो रहा है, इसके लिए दे रहा है कि जितना भी इंडस्ट्री है ऑल इंडस्ट्रीज उसको क्या कीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट टू द आउटस्कर्ट्स, ठीक है, बाहर जाकर के शिफ्ट कर दीजिए। तो ये क्या आपको लगता है कि अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि जितना भी है उसको बाहर कर दीजिए तो सिटी में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो दूसरा प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा। बहुत लोग हैं जो कि उतनी लंबी दूरी तय करके आने में असमर्थ भी हो सकते हैं, तो इसीलिए ये एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को जितना संभव हो सके वो सीएनजी का उपाय करना चाहिए, सीएनजी के रूप में सीएनजी व्हीकल्स करवाना चाहिए, रन ऑन सीएनजी, यानी कि परिवहन अधिकारियों को सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को बदलकर सीएनजी से चलाने वाले के उपाय करने चाहिए जितना संभव हो सके। तो ये तो प्रैक्टिकली संभव है, धीरे धीरे इसको किया जा सकता है, तो ये एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। और हमारा कोर्स ऑफ एक्शन का जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका 13th नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि कॉलेज स्टूडेंट जो है वो फोकस कर रहे हैं, मोर फोकस किस चीज पे, तो फैशन पे, देन ऑन स्टडीज, स्टडीज की तुलना में वो लोग फैशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिया गया है कि कॉलेज को इंपोज कर देना चाहिए रेस्ट्रिक्शंस। तो यहां कॉलेज के इंपोज करने से क्या फैशन रुक जाएगा, फैशन क्या कॉलेज तक ही सीमित है, कॉलेज के बाहर नहीं है, तो ये यहां पे नहीं होगा। और दूसरा यहां पे कह रहा है कि स्टूडेंट को बीजी कर देना चाहिए, क्या चीज में, स्टडीज में, ठीक है। ये फैशन जो होता है वो नेचर की चीज होता है, जो फैशनेबल होते हैं वो पढ़ते हुए भी फैशन कर लेते हैं, तो अब स्टडी में आप ज्यादा उनको इन्वॉल्व कीजिए तो ऐसा नहीं है कि वो फैशन करना छोड़ देंगे, तो ये भी एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं माना जाएगा इसको। तो यहां पे ये भी जो है एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, यानी यहां पे दोनों नहीं लागू, ये नीदर का केस। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया है जो कि कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड था। मुझे नहीं लगता है कि अगर इस तरह से आप वर्ड को पकड़ पकड़ के आप लोग काम कीजिएगा तो कोर्स ऑफ एक्शन आपसे नहीं बनेगा। कोर्स ऑफ एक्शन के लिए जितना संभव हो आप लोग मटेरियल जमा कीजिए, मटेरियल न्यूज़पेपर से मिलेगा, न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए जिससे कि आप अपने एनालिटिकल रीजनिंग को बढ़िया बना सके। कोर्स ऑफ एक्शन के बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो चैप्टर का मैं दूंगी वो है कॉज एंड इफेक्ट का। इसके बाद के वीडियो में मैं कॉज एंड इफेक्ट को डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरा हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप टच कीजिए जिससे कि जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।